हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस लेके आया हूँ, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सेशन क्या है हमारा, अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर लेते हो तो 100% आप अपना JRF एग्जाम्स क्लियर कर लोगे। अब देखो, यहाँ पे मैं कोई स्टडी या कोई उस टीचिंग वाली बात नहीं करने आया हूँ, मैं सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर जिनके ऊपर आप काम कर लेते हो तो डेफिनेटली इस एग्जाम्स को आप क्लियर कर लोगे। तो देखो पॉइंट्स क्या हैं यार, मैं आपको ये बताता हूँ कि आप पूरे साल बहुत पढ़ते हो, पूरे साल बहुत पढ़ते हो, 6 महीने तक, साल भर आप खूब पढ़ाई करते हो। आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप लाइफ साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, हमेशा हमारे दिमाग में ये स्ट्रेस रहता है कि कैसे हम इस एग्जाम्स को क्लियर करें। और कहीं ना कहीं हमको सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टीज भी होती है, हमको सब्जेक्ट्स अच्छे से आता भी है, सब कुछ हम उसके क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं, थ्योरम भी पता है, लॉस पता है, लेकिन उसके बाद फिर भी हमारे मन में ये टेंशन रहती है कि ये एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। तो इसका एक ही मात्र कारण है, ये साइलेंट किलर, ठीक है, इनको मैं साइलेंट किलर बोलता हूँ। ये कहीं ना कहीं हमको कॉन्फिडेंट नहीं देते कि हम इस एग्जाम्स को क्लियर कर पाए। तो जैसे आप देखेंगे कि वरी, टेंशन, फियर, स्ट्रेस, प्रेशर, हेडेक और एंजाइटी, तो ये साइलेंट किलर है। मतलब आपको क्वांटम मैकेनिक्स अच्छे से आता होगा, एमएमपी भी अच्छे से आता होगा, थर्मोडायनेमिक्स भी अच्छे से आता होगा, ये सभी के सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप इन एग्जाम्स में परफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो स्ट्रेस है ये आते कहाँ से, इसके अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉम वेयर दी एग्जाम स्ट्रेस कम्स, तो कहाँ से ये हमको स्ट्रेस आता है, तो बात करते हैं प्रेशर ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स। हमेशा हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है, ये एक प्रेशर हम खुद से बनाते हैं। उसके बाद है हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स, है ना। अब देखो, आप कोई भी काम करो लाइफ में, पेरेंट्स अगर हैं तो वो आपसे हमेशा एक्सपेक्टेशन करेंगे कि आप बहुत आगे जाओ, मतलब हर चीज में आप नंबर वन आओ, ये उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। गलत भी नहीं है भाई, गलत भी नहीं है, ठीक है। आप चाहते हो कि आज की लाइफ में जो आपके पेरेंट्स हैं या आप हो, हमेशा अच्छा करो, आप भी अपने पेरेंट्स से उम्मीद लगाते होगे कि वो ऐसा करें, ये करें, वो करें, तो सही सेम चीज वाइस वर्सा हो जाती है कि आपके पेरेंट्स भी आपसे चाहते हैं कि आप ये करो, ये करो, ये करो, तो वो चीजें हैं, ठीक है। तो उसको एक लाइफ का हिस्सा समझ के आगे बढ़ो। उसके बाद है कम्पिटिटिवनेस, तो अब पूरी की पूरी दुनिया है, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसके बाद है कंपैरिजन विद अदर्स, ठीक है, फिर है फियर ऑफ बिगनिंग बीइंग लेफ्ट आउटसाइड, उसके बाद है फियर ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे हैं, इसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद है वाई डू आई फॉरगेट बट आई हैव लर्न, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास कोई भी स्टडी प्लान नहीं था, आपको ये नहीं पता आपको पढ़ना कैसा है, क्या पढ़ना था, इस सब चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता। उसके बाद है ना नो प्लान फॉर रिवीजन, मतलब रिवीजन का भी आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपको हमेशा लगता है कि मैं रिवीजन कल कर लूंगा, उस दिन कर लूंगा, परसों कर लूंगा, रिवीजन का कभी कोई टाइम नहीं आएगा। जैसे कल कभी नहीं आता, ऐसे रिवीजन के लिए भी टाइम नहीं आता, आपको हमेशा लगता है कि पहले मैं इस यूनिट को खत्म कर लूँ, देन मैं उसके बाद रिवीजन करूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद है नो टेकिंग द राइट काइंड ऑफ रेस्ट, आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हो। उसके बाद है माइंड फिल्ड विद नेगेटिव इमोशंस, और अपने दिमाग में दुनिया भर के नेगेटिव थॉट्स आपने घर कर रखे हैं कि ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा, वैसा करूंगा तो क्या होगा, इन सब चीजों से बाहर निकलोगा, ठीक है। आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, अगर देखो लाइफ में हमेशा दो ही लोग चिल करते हैं, या तो जिन लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रखी उनको कोई टेंशन नहीं है कि भाई उन्हें पढ़ाई नहीं है तो टेंशन किस चीज़ की, और एक वो जिसने सब कुछ पढ़ रखा है वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है कि मैं कर लूंगा। फंस जाते हैं बीच वाले, है ना, बिलो एवरेज, मीडियम, ये लोग फंस जाते हैं, और तो ये वाली बात है, ठीक है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बाहर आओ, पढ़ाई आपने कर रखी है, बस अपने पर विश्वास। उसके बाद है अब चलो हम मैं आपको बताता हूँ कि प्लान फॉर स्टडी, कि आप कैसे स्टडी को प्लान कर सकते हैं। तो टू डेज डेट, है ना, टेंटेटिव एग्जाम डेट्स, मतलब आज की डेट देखो और कल, और आपकी जो डेट है वो देखो, अब तो टेंटेटिव नहीं है, अब तो डेट आई गई है।
उसके बाद है काउंट हाउ मेनी डेज यू हैव नाउ, अब तो एक हफ्ते का समय रह गया, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। प्लान योर 24 आवर्स। अब देखो 24 आवर्स, मैं ये नहीं कह रहा 24 घंटे का समय है, उस 24 घंटों का आप प्लान बनाओ, तो स्टडी करो आप 12 घंटे, 12 घंटे को भी हम स्प्लिट करेंगे, 7 घंटे की नींद निकालो, 1 घंटे खाना खाओ, मतलब खाना मतलब खाने के लिए खाना पीना खाया, पचाया बचाया सब कुछ करा उस 1 घंटे में, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। उसके बाद शेड्यूल योर सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब जो आपने 12 घंटे का जो समय निकाला था स्टडी का, अब आप उसको यहाँ पे स्प्लिट करो, तो आप देख सकते हो कि सुबह की 3 घंटे पढ़ाई करो, फिर दिन में 3 घंटे पढ़ाई करो, फिर इवनिंग में 3 घंटे पढ़ाई करो, और फिर नाइट में 3 घंटे पढ़ाई करो। अब आप यहाँ पे आप बोलोगे सर इतने सारी पढ़ाई करनी, भाई करनी पड़ेगी, 9 सब्जेक्ट्स हैं, 7 दिन का समय है, अगर एक दिन भी एक सब्जेक्ट पढ़ेगा तब भी नहीं हो पाएगा। तो अब तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है मतलब स्टडी को लेके, तो मैं तो फिर भी मैंने आपको 12 घंटे का समय लिखा है यहाँ पे, आप तो रात के 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ो, है ना, मैं ये कहूँगा। अब ये सब कहने वाली बात है सोना है जैम है, वो जब जिस पे आती है ना वो सब काम करता है, कोई टेंशन नहीं है। फिर आप रीडिंग प्लान, राइटिंग प्लान, रिविजन प्लान, ये सब आपका यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद क्या है, टेक ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा ओनरशिप लेना सीखो, है ना, तो ओनरशिप लेना सीखो अपने आप की, ओनरशिप लेना सीखो अपनी पढ़ाई की, ऑनरशिप लेना सीखो अपने एग्जाम्स की, ऑनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो अपने करियर की और अपनी लाइफ की। तो आपको इन सब की ऑनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, है ना, डिसीजंस आपके हैं ऑनर, क्योंकि आप भी अपने जीवन के मालिक हो ना, पेरेंट्स के ऊपर, पेरेंट्स आपको बताते हैं ये करना है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको पता है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, ठीक है, या यहाँ पे कर सकते। और उसके बाद लास्ट में इतना बोलना चाहता हूँ, डू योर बेस्ट, हमेशा अपने बेस्ट देने की कोशिश करो, और हमेशा अपना बेस्ट देना भी चाहिए। आपका काम है सिर्फ एग्जाम्स में जाओ, एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करो, है ना, और उसके बाद चीजें फिर भगवान के भरोसे छोड़ दो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है ना, आप केवल उस रिजल्ट को अच्छा बना सकते हो, या तो फेल होता है या पास होता है, फेल होने के लिए ना चीजें इतनी मेहनत करते हैं, हमेशा पास होने के लिए मेहनत करते हैं, ये जज्बा होना चाहिए कि मेरे अगर ये जो सीट है ये मेरी है, बस उसके लिए आप सब कुछ करो, ये तभी पॉसिबल है जब आप इन सभी चीज़ों को दिमाग से निकाल दोगे, है ना। आज का मैंने सोचा कि कुछ पढ़ाई से हटके चीज़ें करते हैं, क्योंकि तो वो सारे पॉइंट तो पढ़ाई के लेते हैं, लेकिन इन ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ IFS आपके लिए यहाँ पे 1 रुपये में टेस्ट सीरीज लेके आया है, तो आप इस 1 रुपये की टेस्ट सीरीज को 100% यहाँ पे ज्वाइन करें, मॉक टेस्ट सीरीज है, इसको आप यहाँ पे जरूर लें। उसके बाद है एक्साइटिंग न्यूज़, है ना, फिर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम 24 तारीख से आपका एक एक्सक्लूसिव ऑनलाइन बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको फिजिकल साइंस पढ़ाएंगे, तो अगर आप लोग यहाँ पे CSE नेट एग्जाम्स की टारगेट कर रहे हो तो ये बैच आप लोगों के लिए है, और इसमें 50% का ऑफ हम आपको दे रहे हैं, और आप हमारा कोड IFS50 का यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे आने वाली क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय, ठीक है, बाय बाय।